हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के खिलाड़ियों को खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा के 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिले हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में हरियाणा की मानव संरचना यूनिवर्सिटी को भी सम्मान मिला है। विश्वविद्यालय को युवा प्रतिभाओं को पहचानने और उनको पोषित करने की कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देखिए, आज ये बहुत बड़ा खुशी का अवसर हमारे लिए, जो कि ओलंपिक में, पैरालंपिक में जिस प्रकार हमारे खिलाड़ियों ने इतने मेडल लिए, और वो भी एक खुशी का अवसर था, लेकिन आज तो वो खुशी डबल हो गई कि जब राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पुरस्कार थे, उसमें खास करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं, उसमें अर्जुन अवार्ड है, उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड है, और इसके अंदर ढेरों अवार्ड हमारे खिलाड़ियों को मिले हैं, और मैं कहता हूँ कि कुल 64 में से 17 अवार्ड केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले हैं, जो 25% से भी ऊपर बनता है। तो इस प्रकार की खुशी का दिन मैं समझता हूँ और भी हमें लगातार आता रहे, और मैं इस अवसर पर अपने जितने भी खेल प्रेमी, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भी मेडल लिए हैं, जिनको भी पुरस्कार मिले हैं, उन सबको, उनके परिवार के बंधुओं को और हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सर, आगे के लिए क्या टास्क और क्या लक्ष्य आप अपने प्रदेश के खिलाड़ियों और नौजवानों को देना चाहेंगे? देखिए, जब हमने पिछली बार सभी खेल प्रेमी सज्जनों को और खिलाड़ियों को संबोधित किया था, उस समय कहा था कि भी हमारी जो खेल नीति है उसके अनुसार देश भर में, दुनिया भर में बढ़िया से बढ़िया खेल नीति है, इसमें और भी जो अपेक्षा है, जो सुझाव है, उसको बढ़ाएंगे और अपेक्षा करेंगे। इस बार जितने मेडल आए हैं, इससे डबल मेडल आने चाहिए, ताकि हम देश और दुनिया के लोगों को खेल क्या होता है, खेल को प्रोत्साहन देना है, युवकों को कैसे उसमें रुचि पैदा करनी है, ये रास्ता दिखा सके, हमारा हरियाणा जो है खेलों का हब बने, ये हमारी इच्छा है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।